हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2020 और आज की मैं नई जानकारी ले चुका हूँ, अर्थात रोजगार की जानकारी लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैंने योग्यता के अनुसार यहाँ पर जानकारी वह अलग अलग आपको देने वाला हूँ। अर्थात जो ITI वाले कैंडिडेट हैं, जो 10वीं पास है और 12वीं पास है, उनके लिए मैं नई वैकेंसी की जानकारी लेके आ चुका हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा दोस्तों, और इसी तरह की वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज की जो पहली वैकेंसी की अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वैकेंसी है ITI वालों के लिए वैकेंसी निकल के, जैसे कि मैं आपको इसका नोटिफिकेशन पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों ये सभी को मालूम है कि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है और लॉकडाउन की स्थिति में ये जो वैकेंसी का डेट है, डेट पर डेट ये बढ़ाई जा रही है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आवेदन के पंजीकरण यहाँ पर पोर्टल है, ये आपका 14/3/2020 के 9 बजे से ये 3/4/2020 तक था, लेकिन दोस्तों इसको बढ़ाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 14/3/2020 से यहाँ पर 3/4/2020 तक यहाँ पर मेंशन किया गया, लेकिन दोस्तों ये जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके जाएंगे, अर्थात अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से इसका फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो वहाँ पर अभी इसका फॉर्म फिलअप कर रहा है और वहाँ पर कल ही अपडेट आया है, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था उनके पर एक नोटिस भी जारी किया गया है, ताकि उनको भी मालूम चले, ताकि कोई भी गलती है तो वहाँ पर संशोधन भी कर सके और नए कैंडिडेट जो भी हैं वो फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं योग्यता की, तो इसमें जो योग्यता मांगी गई है, यदि आपके पास 10वीं प्लस ITI कंप्लीट है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको शॉर्ट पर जानकारी देने की कोशिश करता हूं। ये जो वैकेंसी आपके निकल के आ रही है, DRDO अर्थात इसरो की तरफ से ये आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, यहां पर आप देख सकते हैं, और जिसमें आपको पोस्ट है ये अप्रेंटिसशिप के पद पर, ये आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। और इसमें ये बात करें कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो इसमें 116 अर्थात टोटल जो वैकेंसियाँ हैं 116 वैकेंसी है। यहाँ पर आप ट्रेड वाइज यहाँ पर नीचे जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अर्थात व्हाट्सअप ग्रुप में भी दे दूंगा, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पर ग्रुप के और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के दोनों का लिंक देने वाला हूँ, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर बात करें यदि पेमेंट के, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान आपको कुछ पेमेंट भी दिया जाता है, तो इसमें आपको पेमेंट 7,700 रुपये से 8,000 तक इसमें आपको पेमेंट मिलने वाला है। और यदि इसमें बात करें योग्यता की, तो इसमें आप यदि हाई स्कूल प्लस ITI कंप्लीट कर लिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें दोस्तों बात करें यदि कि आपकी जो उम्र सीमा क्या मांगी गई है, तो आप यहां पर नीचे जब आएंगे तो इसमें मेंशन किया गया है कि उम्र सीमा आपकी 18 से 27 ईयर होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इससे यदि आपकी अधिक उम्र है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि बात करें दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, अर्थात फॉर्म फीस की, तो इसमें आपको कोई भी फॉर्म फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बात करें दोस्तों सलेक्शन की, कि इसमें आपको सलेक्शन कैसे होगा, तो ये आपके मेरिट बेस पर है, लेकिन दोस्तों मेरिट बेस के अनुसार यहाँ पर एक लिस्ट निकलेगी, यदि उसमें आपका नाम होगा तो उसके बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद इसमें सलेक्शन आपका हो जाएगा। यदि बात कर दोस्तों कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो ये आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसका जो जॉब लोकेशन रखा गया है, इसका जॉब लोकेशन चेन्नई में रखा गया है, और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसका लास्ट डेट 17 अप्रैल रखा गया है। तो जो लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, इसकी जानकारी कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आज की जो दूसरे नंबर की जो वैकेंसी आई है, ये किस पोस्ट के लिए और यहाँ पर किस जोन की वैकेंसी आई है। तो ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें पोस्ट रखा गया है ओपन मार्केट डॉक्टर स्टाफ, और यहाँ पर डॉक्टर स्टाफ नर्स है, और हॉस्पिटल असिस्टेंट हाउसकीपिंग असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें दोस्तों बात किया जाए टोटल वैकेंसी की, तो इसमें जो टोटल पद है इसमें केवल टोटल पद 92 ही मेंशन किया गया है, और इसमें पेमेंट जो आपकी बात करें कि कितना आपको पेमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पेमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि ओपन मार्केट डॉक्टर के लिए यहाँ पर 75,000 रखा गया है, और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 44,900 रखा गया है, और हॉस्पिटल असिस्टेंट है एंड हाउस कीपिंग के लिए यहाँ पर आपको 26,000 मेंशन किया गया है। यदि बात करें दोस्तों इसमें योग्यता की, तो इसमें आपको योग्यता यदि 10th पास अर्थात हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट पास है, या ITI कंप्लीट कर लिए हैं, या BSc है, या GNM है, या MBBS है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर के पद पे ज़्यादातर जो क्वालिफिकेशन मांगता है आपका MBBS ही मांगता है। यदि बात करें दोस्तों इसमें उम्र सीमा की, तो इसमें आपको 18 से 33 ईयर मांगा गया, अर्थात यहाँ पर पोस्ट के अनुसार आपको पेमेंट
सॉरी पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पर उम्र मेंशन किया गया है। जैसे कि बात करें ओपन मार्केट डॉक्टर के लिए यहाँ पर 18 से 33 है, और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 40 ईयर तक के लोग फार्म को भर सकते हैं, और हाउस पीकिंग के लिए यहाँ पर आपको 65 ईयर के लोग इस फार्म को भर सकते हैं। इसमें बात कर दोस्तों सलेक्शन की, तो यहाँ पर आप नीचे जैसे ही मैंसन करेंगे तो यहाँ पर जो सलेक्शन इसमें प्रोसेस चलेगा, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, इसमें छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद इसमें आपका सलेक्शन हो जाएगा। यदि बात कर दोस्तों इसकी जो फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो ये आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा, इसमें ऑनलाइन की सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए कि इसकी जॉब लोकेशन कहाँ है, तो इसकी जॉब लोकेशन आपका नागपुर रखा गया है, महाराष्ट्र रखा गया है, दो ही इसमें स्टेट को मेंशन किया गया है। और इसकी लास्ट डेट बात करें तो इसका लास्ट डेट 20 अप्रैल रखा गया है। तो जो लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहिए तो मैं यहाँ पर नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप ग्रुप नंबर दे देता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप नंबर भी दे देता हूँ, आप वहाँ से जुड़ के वहाँ से आप ग्रुप एडमिन की तरफ से वहाँ पर आप नंबर निकाल सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि यहाँ पर जो तीसरी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो कौन सी वैकेंसी है, तो ये आपकी MCGM अर्थात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर से तरफ से आपकी वैकेंसी आ रही है, अर्थात नगर निगम की तरफ से आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें पोस्ट है वार्ड बॉय के अनुसार यहाँ पर रखा गया। और वैकेंसी इसमें की बात करें कि किसने इसमें टोटल वैकेंसी है, तो यहाँ पर मैंसन किया गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इसमें 114 वैकेंसी निकल के आ रही है। और यहाँ पर बात कर दोस्तों पेमेंट की, तो इसमें आपको 18,000 से 56,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और योग्यता की बात कर दोस्तों तो इसमें आपको योग्यता केवल हाई स्कूल पास है, अर्थात आप 10वीं पास है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। और इसकी उम्र सीमा की बात करें जाए तो 18 से 38 ईयर की यदि आप है तो इस फार्म को भर सकते हैं, इससे आप कम उम्र के हैं या इससे अधिक उम्र के हैं तो आप इस फार्म को भर नहीं सकते। इसकी बात कर दोस्तों फॉर्म फीस के, कि यहाँ पर फॉर्म फीस आपको कितना लगेगा, तो इसमें आपको कोई भी मैंसन नहीं किया गया है कि फॉर्म फीस आपको कितना देना पड़ेगा। यदि आप फॉर्म को भरते हैं उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म का फीस आपको कितना देना है, ठीक है। सिलेक्शन की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बात करें कि ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो ये जो आपका फॉर्म है ये ऑफलाइन है, और इसका जॉब लोकेशन मुंबई रखा गया है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो इसका जो लास्ट डेट है 17 अप्रैल रखा गया है, ठीक है। इसकी आपको PDF भी चाहना चाहते हैं तो PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि टेलीग्राम ग्रुप दिया गया वहाँ से आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म कैसे फिलअप करना है यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि है दोस्तों, आप जैसे कि कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरह आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको योग्यता लिखनी है और किस ट्रेड से है आप यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी, यदि आपको इस तरह की जानकारी पर डे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है, कोई भी जानकारी अपडेट आती है यदि पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप कोई और योग्यता पर रखते हैं तो आप वो भी बताइएगा, ताकि उससे संबंधित कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपको अपडेट दे सका। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।